थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे की माँ अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लिए बैठे पिछले 4 दिनों से ब्लड का इंतजार कर रही है। सुबह से शाम तक बैठने के बाद ब्लड बैंक के द्वारा उन्हें ये कहकर लौटा दिया जाता है कि फिलहाल ब्लड नहीं, जबकि ब्लड बैंक के ऑनलाइन रिपोर्ट के मुताबिक लगभग सभी ब्लड ग्रुप के पर्याप्त ब्लड बैंक में उपलब्ध है। अपने बच्चे को घंटों गोद में लिए बैठी इन माओं को समय पर ब्लड नसीब नहीं हो रहा। ये सर बैठे हुए हैं पर ब्लड नहीं मिल रहा है, बोल रहा है रोज कल आओ या 3 बजे आओ 9 बजे आओ, टाइम देता है पर टाइम से ब्लड नहीं मिलता है और बहुत सारा परेशानी, हर महीना आना पड़ता है, बहुत सारा परेशानी भी होता है। जब आते हैं और फिर जाते हैं, फिर रात को 12 बजे मिलेगा इसे बोलते हैं, फिर आते हैं 12 बजे, फिर 12 बजे नहीं मिलेगा, चलो कल सुबह लाइन लगाओ, फिर लाइन लग जाते हैं, फिर भी चलो 3 बजे मिलेगा, 3 बजे से शाम हो जाता कि ब्लड खत्म हो गया है, ब्लड नहीं मिलेगा। थैलेसीमिया मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई प्रावधान हैं। इसके लिए उन्हें कोई डोनर की जरूरत नहीं, बिना डोनर के ही उन्हें खून देने का प्रावधान है। इसके अलावा विभाग की ओर से ये निर्देश भी दिया गया है कि पहली प्राथमिकता थैलेसीमिया के मरीजों को ही दी जाए। बावजूद इसके उन मरीजों का ब्लड बैंक का चक्कर लगाकर बुरा हाल है। रचरप्पा प्रोजेक्ट से अपने 3 वर्षीय मासूम को लेकर रिम्स पहुंची चारूबाला देवी ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। हम लोग आए हुए हैं, कभी 8 रोज रुकते हैं, कभी 4 रोज रुकते हैं, कभी जल्दी मिलता है 2-3 दिन में, लेकिन 1 दिन में तो कभी नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ अभी तो हम लोग 3 साल से आ रहे हैं, 4 साल से, 4 साल से आते हैं, तो यही प्रॉब्लम मिलता है कि जल्दी ब्लड मिलता नहीं। सरकार थैलेसीमिया मरीजों के लिए कई अस्पतालों में थैलेसीमिया डे केयर का संचालन कर रही है। रांची के भी सदर अस्पताल में 21 बेड के थैलेसीमिया डे केयर संचालन हो रहा है, जहां उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन से लेकर हर तरह की सुविधा दी गई है। बावजूद इसके रिम्स ब्लड बैंक का रवैया उदासीन दिख रहा है। राज्य के सबसे बड़े ब्लड बैंक के उदासीनता के कारण थैलेसीमिया के मरीजों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं अपने बच्चे को गोद में लिए कई दिनों तक इंतजार कर रही हैं कि कब उन्हें ब्लड मिले और उनके नौनिहाल को वो ब्लड चढ़ाया जा सके। सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11, रांची।